We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! तो तमाम हमारे बहनें माँ और बहनें जो यहाँ पर आज जमा हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक आवाज़ पे पूरे लोग यहाँ पर आकर हमारी हिम्मत अफजाई करें। हमारी जंग क्या है बोले तो सिर्फ NRC CAA के खिलाफ हमारी जंग है। अमित शाह और मोदी, और जब भी इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं आप, ये बोलते हैं मेरी माँ और बहनों सबका साथ सबका विकास। अरे क्या है सबका साथ सबका विकास? आप तो साथ देने तो दूर की बात, हमारे साथ को मिटाने के लिए आप तुले हुए हैं। हम इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई जैसा हम रहते हैं, आप इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाह रहे। अमित शाह और मोदी, आप लोगों को क्या मिलता है ये करने से? देखिए पहले बोलते थे मुसलमान बाहर नहीं आते, बुरखे वाले बाहर नहीं आते, आप अपने मकसद में कामयाब हुए क्या? हम बुरखे वालों को बाहर लाए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कहने से हम बाहर हैं, हम हमारे हक के लिए बाहर हैं। जब तक कि ये जंग जारी रहेंगी हम ऐसी बाहर आएंगे, ऐसी एहतजाज करेंगे, ऐसी लड़ाई ऐसा झगड़ा हम हमेशा करते रहेंगे। आज हम यहाँ पर बैठ के करें, कल रोड बैन करेंगे, उसके बाद जुलूस निकालेंगे, चाहे हमारी जान जाए जान रहे, हम इस देश के लिए जान देंगे लेकिन इस देश हम नहीं छोड़ेंगे। सोचो आप क्या बोल रहे हो, पहले क्या बोलकर आप वोट लिए? प्राइम मिनिस्टर बनते ही बोलते थे कि मैं एक छोटे गरीब घर से हूँ, मैं एक चाय वाला हूँ, मैं केतली में रोड पे मैं चाय बेचता था। आज वो केतली वो गरीब घर वो सब कहाँ गया? आपके आपके हाथ में हुकूमत आते ही तुम जो इतना बड़ा ग्रुप गंडा जो बने इसको ख़त्म करो, और सीधे सीधे ये जो जो चीज़ें आप लागू करें आप वापस जब तक नहीं लेंगे हम लोग क्या है एहतजाज करते रहेंगे। जय हिंद जय कर्नाटक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राफिया शिरीन है। आज मुस्लिम चौक पे बहुत सारे खवातीन धरना बैठे हुए हैं। ये धरना सिर्फ गुलबर्गा में नहीं बल्कि देश के हर कोने कोने से प्रोटेस्ट धरना और रैली निकाली जा रही है। ये निकालने का मकसद ये है, जो CAA और NRC और NPR है ये वापस लेने के लिए हम लोग ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू जारी है इसका। ये जब तक प्रोटेस्ट चलेगा जब तक ये वापस नहीं लिया जाएगा। मैं मोदी और अमित शाह से गुजारिश करती हूँ, आप देश के हित के लिए काम कीजिए, देशद्रोही के लिए काम मत कीजिए, क्योंकि देश आप हर वक्त विकास विकास की बात करते थे मोदी जी, आपका तो विकास की बात ही करना छोड़ दिए, आप बस रिलीजियस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। और हमारा प्रीएम्बल बोलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हम हिंदुस्तान के इंडिया के लोग हैं, लेकिन आप साफ साफ खुल्ला आप कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल का वायलेशन कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आर्टिकल 14 है और आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 21 इसका तो सारे आम उसका वायलेशन हो रहा है। परसों 5 जनवरी की रात में दिल्ली में JNU जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में जिस तरह वहाँ के स्टूडेंट पर एट्रोसिटी हुई है, बहुत शर्म की बात है। आप इस तरह के हादसे होते जा रहे हैं फिर भी आप कुछ नहीं कर सक रहे। मैं मोदी और अमित शाह जी को बस इतना कहती हूँ, आपको इस्तीफा देना चाहिए, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप उसी के लायक हैं, आप रिजाइन दे दो, आपका काम है, आप जो GDP गिरी हुई है इंडिया की GDP को ग्रो करना है, और हर वक्त विकास विकास भाइयों बहनों करते हैं, आज भाइयों बहनों को हिंदुस्तान से बेदखल करना चाह रहे हैं। शर्म आती है मोदी जी आपके बातों पर, क्यों ये भाइयों बहनों से आपको क्या प्रॉब्लम है? हम भी इस देश में बराबर के हकदार हैं, जितने हिंदू हैं उतने मुसलमान भी हैं, और बार बार आप ये कह रहे हैं ये जो भी NRC और NPR आया है ये मुसलमानों के लिए नहीं है, तो
आप अलग बोलते हैं और अमित शाह जी अलग बोलते हैं, पहले आप दोनों आपस में सुलझा लिए फिर बाद में क्या है आप फेस पे आके बोलिए। ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ये जब तक जारी रहेगा जब तक आप लोग NPR NRC और CACA वापस नहीं लेंगे। आप अमेंडमेंट लेकर आओ, आप बिल्स लेकर आओ, एक्ट्स लेकर आओ, लेकिन कानून के विकास के लिए लेकर आओ, कानून के डेवलपमेंट के लिए लेकर आओ, कानून को बर्बाद करने मत लाओ, क्योंकि यहाँ हम सब भाई भाई एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब।